तेलंगाना के अंदर जब पहले बीआरएस की सरकार थी तो भ्रष्टाचार हुआ, हर तरीके का भ्रष्टाचार हुआ। और अब कांग्रेस सरकार को भी जब हम देखते हैं तो हमारे को ध्यान में आता है कि इनकी भी नीयत साफ नहीं है, ये भी नीयत साफ लेकर के नहीं चल रहे हैं। अभी इनके मन में विचार ये है कि जो संपत्ति हम अपने जीवन में मेहनत से कमा करके अपने बच्चों के लिए खड़ी करते हैं, उस संपत्ति को गलत तरीके से सरकार हड़पने के लिए टैक्स लगाने की योजना बनाती है। हमें दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि ये कांग्रेस की सरकार वो सरकार है जो ओबीसी, एससी, एसटी, हमारे अदर बैकवर्ड कास्ट, हमारे दलित भाई, हमारे ट्राइबल भाई, इनका रिजर्वेशन छीन करके धर्म के आधार पर मुस्लिम को आरक्षण देने की योजना बनाती। भीमराव अम्बेडकर ने साफ कहा है कि धर्म के आधार पर कभी भी आरक्षण नहीं होगा, आरक्षण होगा तो जाति और पिछड़ेपन के नाम पर होगा। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के लोग आज इस बात के लिए प्रयास कर रहे हैं। बोलिए, ऐसे सरकार को आगे आने देंगे क्या?